Hello everyone, okay. Today we're going to open a box called Sujata Juicer. So this automatic juicer. But this is the most safest one. Not that old blender there. So this blender is, so first blender over here. Let's open that, the plastic. That old blender is making my ear very disturbed. So this one will be better. It can make any juice, the fruit juice, not any bad juice. Any fruit. So this is for more powerful than water. Mommy, Everyone look in the front of there. Look in the front. See, this is almost more powerful than 100 what? West. MRP यहाँ पे लिखा है 7227, बट हमने इसको 5045 रुपीस में Amazon से ऑनलाइन ऑर्डर किए हैं। चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या आइटम है। ये देखिए, ये है सुजाता का ऑपरेटिंग मैनुअल। इसमें ये जूसर को हम कैसे यूज करना है वो सब लिखा हुआ है, और इसको देख के हम डिसेंबल असेंबल दोनों कर सकते हैं। और ये देखिए, एक साल का वारंटी भी दिया हुआ है। और ये दूसरा पेपर में सुजाता का कौन कौन सा प्रोडक्ट और भी है वो सब दिखा रहा है। दोस्तों, ये जूसर जो है वो विद जार और विदाउट जार दोनों आता है। हमने विदाउट जार वाला मंगाया है। अगर आपको जार चाहिए तो जार के साथ भी मंगा सकते हैं। ये है इसका प्लंजर। इसके अंदर कुछ और भी आइटम है, वो मैं आपको सब एक साथ निकाल के एक एक करके दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर है स्पीड नॉब, इसमें ऑफ लिखा हुआ है। और इस तरफ लो पे रखना हो तो यहाँ पे, और हाई पे रखना हो तो यहाँ पे, और मीडियम में रखना हो तो इधर। बीच में एक जो रेड कलर का दिख रहा है ऊपर लाइट, वो लाइट इंडिकेटर है। और ये वाला बटन जो है वो व्हिप बटन है। ये है इसका कटर स्पिनर विथ फिल्टर। और ये जो बड़ा बॉक्स है, ये इसका पल्प कंटेनर है। इसमें जो भी पल्प आएगा इसमें कलेक्ट होते जाएंगे। अब हम ये जो प्लंजर का पैकेट है इसको भी खोल के देख लेते हैं क्या क्या है इसके अंदर। ये एक ब्रश दिया हुआ है, क्लीनिंग ब्रश, और ये प्लंजर है। और ये ड्राइविंग गियर एक्स्ट्रा दिया हुआ है विथ 3 पिन। यूज करने के पहले सबको मैंने अच्छे से क्लीन कर लिए हैं। क्या क्या है सबको एक बार अच्छे से फिर से देख लेते हैं। इसका जो पावर कॉर्ड है वो 3 पिन वाला आता है, और करीब 2 मीटर के लंबाई के साथ आता है। और ये जो साइड में है, ये है जूस कंटेनर। जो भी वेजिटेबल या फ्रूट का जूस निकलेगा इसमें कलेक्ट होएगा। ये है कटर स्पिनर विथ फिल्टर। और ये जो बड़ा सा व्हाइट कलर का डब्बा है ना, ये इसमें पल्प कलेक्ट होएगा। और दोस्तों, ये जूसर का ढक्कन है। इसमें फीडर ओपनिंग लॉक्स और क्लैंप्स साथ में मिलेंगे। ये देखिए, इसको कैसे लगाना है वो मैं आगे के वीडियो में बताऊंगी। और ये है स्पाउट कवर। ये कुछ नहीं है, जहाँ से जूस बाहर निकलते हैं उधर ये ढक्कन लगा देने का बस। ये देखिए, यहाँ पर एक एरो इंडिकेटर भी दिया हुआ है। इसको निकालने के लिए ऊपर दबा के निकालें, बस निकल जाएगा। ये है प्लंजर। जो भी वेजिटेबल या फ्रूट होगा उसको अच्छे से अंदर डालने के लिए इसको यूज़ करेंगे। और ये है इसका ड्राइविंग बेस विद गियर। यहीं पर हमारा ये जो कटर स्पिनर विद फिल्टर है इसको हम कनेक्ट करेंगे। ये देखिए, इसका जो फिल्टर है बहुत ही फाइन तरीके से बना हुआ है। और हाँ दोस्तों, इसका जो कटर ब्लेड है वो बहुत ही साफ है, इसलिए जब भी यूज़ करें तो बहुत ध्यान से यूज़ करें। चलिए इसको असेंबल कर लेते हैं। ये मैंने कटर स्पिनर को ये हमारी जूस कंटेनर में डाल दिया बीच में। इसको हम मोटर में कनेक्ट कर देंगे, ये देखिए ऐसे। इसके बाद स्पिनर को ऐसे एक बार दबाएंगे और रोटेट करके चेक करेंगे कि वो अच्छे से फिक्स हुआ है या नहीं। ये ऊपर नीचे लॉक लगाने के लिए जगह दिया है, उसको हम एकदम स्ट्रेट लाइन में रखेंगे। और ये देखिए, ढक्कन का लॉकिंग साइड जो है वो इसमें हम डालेंगे ऐसे। और ऊपर से पहले लॉक नहीं लगाएंगे, नीचे का जो हुक है उसमें पहले हम ऐसे लगा लेंगे, फिर ऊपर से ऐसे लॉक कर लेंगे। सेम दूसरे साइड में भी लॉक लगा लेते हैं। ये दोनों साइड में छोटा सा हुक दिया गया है, इसमें ये पल्प कंटेनर को नीचे से पुश करेंगे और लॉक कर लेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मौसम्बी को काट के रख दिए हैं। इसका जूस निकाल लेते हैं। ये देखिए, मैंने फल डाला और प्लंजर से उसको दबाया, और यहाँ इस तरफ जूस निकल के आ गया। ये जो फल है प्लंजर यूज़ नहीं करेगा तो पूरा ऊपर ही फेंक देता है, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी आप जब भी जूस निकालेगा तो प्लंजर का इस्तेमाल करें। मौसम्बी के साथ मैंने गाजर का जूस भी निकाल लिए हैं।
और ये देखिए बहुत बढ़िया तरीके से एक साइड में पूरा जूस निकाल दिया और दूसरे साइड में सारे पल्प कलेक्ट हो गए। थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है ये देखिए। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी हमेशा स्पाउट कवर के साथ ही जूस निकालें ताकि सारे जूस बाहर निकल के इधर उधर ना हो जाए। उसका अंदर वाला जो ये है फाइबर यहाँ से तो गाजर से तो अच्छे से निकाला है, मौसम्बी का भी पूरा निकाल दिया है। जूस है नहीं ना, थोड़ा सा जूस होगा। मैक्सिमम जूस तो निकाल के दे दिया हमें। अरे बाबा ऐसे मत करो। चलो ठीक है दोस्तों, आखिर में वीडियो पसंद आए हैं तो लाइक जरूर दबाइए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।